अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं सुजुकी खैबर 1999 और बहुत ही अच्छी कंडीशन में जेन्युइन गाड़ी लेकर आए हैं। इसमें एसी लगा हुआ है, इसके अलावा इसके जो रिमोट कंट्रोल है, इसके अलावा अलार्म, जापानी अलार्म इसके लगे हुए हैं और अंदर से फुल जेन्युइन बताई जा रही है जबकि बाहर से 50% जेन्युइन है। शौकी अफवार इस पर लगवाई गई है कहीं कहीं। तो ये जो गाड़ी है इसका आप रिमोट देख सकते हैं, रिमोट कंट्रोल है, यानी कि रिमोट से अनलॉक होगी, रिमोट से लॉक होगी और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में। शायद आप अगर खैबर के शहदाई हैं, शौकीन हैं, तो इस जैसी गाड़ी की तलाश में जरूर होंगे। ये हम एक दाना तलाश करके लेके आए हैं जो कि आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो इसका रिव्यू कराएंगे, सबसे पहले हम आपको इसका बोनट दिखाएंगे, इंजन रूम दिखाएंगे और उसके बाद फिर अंदर की सिचुएशन भी दिखाएंगे। तो ये है बोनट की सूरत हाल, इंजन रूम आप देख सकते हैं, इसके सारी कंडीशन आपके सामने है। ये गाड़ी फॉर सेल है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में। यूं समझ लें कि आप अगर 100 खैबर कहीं फॉर सेल देखेंगे तो 100 में से एक शायद इस जैसी आपको नजर आए, हो सकता है 100 में से भी एक नजर ना आए। तो ये बहुत ही खास गाड़ी है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। जापानी अलार्म इंस्टॉल है, रिमोट कंट्रोल है, रिमोट से लॉक अनलॉक होती है, इसके अलावा जो है अंदर से 100% जेन्युइन बताई जा रही है जबकि बाहर से 50% जेन्युइन है। अंदर से 100% जेन्युइन बताई गई लेकिन इस दरवाजे की सीलें नहीं थी। बहरहाल अंदर से ये हम आपको इसकी सूरत हाल दिखा रहे हैं। अंदर से आप अगर कंडीशन देखें तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाड़ी नज़र आ रही है। आप गौर करें इस गाड़ी की तरफ तो अंदर से इसकी जो कंडीशन है वो वेरी वेरी बेस्ट, बहुत खूबसूरत कंडीशन है। आप देख सकते हैं इसकी जो कंडीशन है अंदर से, इसके रिमोट है, रिमोट के ज़रिए ये लॉक अनलॉक होती है। तो ये जो गाड़ी है ये आप देख सकते हैं, हम आपको इसका रिव्यू करा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और उन लोगों के लिए जो अच्छी गाड़ी के मुतलाशी थे कि हमें बहुत ही अच्छी खैबर सुजुकी मिले ताकि हम ख़रीद सकें, तो वो लोग सामने आए, मैदान में आए। मालिक का नंबर हम आखिर में देंगे, उससे आप रब्ता कर सकेंगे। तो ये गाड़ी देखें, इसकी सीटें माशाल्लाह खूबसूरत हैं, अच्छी कंडीशन है। पीछे छत की अगर आप बात करें तो छत बिल्कुल नई गाड़ी जैसी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्पीकर, बहुत ही अच्छे स्पीकर लगे हुए हैं। अंदर एसी मौजूद है, एसी आपको नहीं लगवाना पड़ेगा क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इसके अंदर एसी भी मौजूद है। इसके अलावा डिग्गी की अगर बात करें तो डिग्गी की कंडीशन भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं डिग्गी की कंडीशन, डिग्गी सील बाय सील है बिल्कुल, ये है डिग्गी और ये है डिग्गी की सूरत हाल। ये गाड़ी है, स्पीकर बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में स्पीकर लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत स्पीकर हैं। अंदर से कंडीशन आपके सामने है, स्टपनी मौजूद है और स्टपनी की क्या कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, गुजारा अच्छा है, स्टपनी अंदर मौजूद है। इसके अलावा बैक लुक बहुत खूबसूरत है, लाहौर का नंबर है और दूसरे दरवाजे की तरफ आए बैक की तरफ तो ये इसका हम आपको ये भी दिखाते हैं, इसकी सीलें मौजूद हैं, इस दरवाजे की सीलें मौजूद है, फ्रंट दरवाजे की सीलें मौजूद नहीं थी, बहरहाल इस दरवाजे की सीलें मौजूद हैं। सीलों का मौजूद होना जेन्युइन बताता है और ये इस दरवाजे की भी सीलें बिल्कुल मौजूद हैं। ड्राइवर साइड जो दरवाज़ा था उसकी सीलें नहीं थी। तो ये अंदर से लुक बहुत खूबसूरत है, फ्रंट सीटों को बहुत खूबसूरत से सजाया गया है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही शौकिया बंदे ने रखी है और बड़ी शौक से रखी गई है। तो ये है गाड़ी, इसके अलार्म जापानी अलार्म बताया गया है कि जापानी अलार्म लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत अलार्म है और बहुत ही यानी कि बहुत ही मजबूत अलार्म इसके लगे हुए हैं। टायरों की कंडीशन 50-50 या 60% कह लें, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, 99 मॉडल है, टायरों की कंडीशन उस हिसाब से ज़रा डाउन है। इसके अलावा ये देख सकते हैं जेन्युइन गाड़ी की निशानी है, बाहर से आप देख सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा है गाड़ी के मालिक का, आप इससे कीमत पूछ सकते हैं, कीमत की बात आप इन्हीं से करें,
अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के निशान को नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें घंटी के निशान को दबा कर, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इस गाड़ी की कीमत कमेंट्स में बताइएगा कि क्या होनी चाहिए। हम आज इस गाड़ी की कीमत नहीं बता रहे, आप बताएंगे कमेंट्स में बताइएगा कि एक दाना है, खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही अच्छी कंडीशन की गाड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसका रिव्यू कराया है, आपने अच्छी तरह देखी होगी। अब आपकी जहानत का इम्तिहान है कि आप बताएं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। वैसे हमने पहले नंबर दे दिया है, उस नंबर पर आप इसकी कीमत मालूम कर भी सकते हैं इसके मालिक से। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।